हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे इस न्यू व्लॉग में। मैं हूँ इस वक्त गबाला के बस स्टेशन पे। मैं दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा व्यू यहाँ का। मैं यहाँ पे उतरी हूँ। मैं आई थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, जो इनकी बसेस चलती है एक सिटी टू दूसरी सिटी, जिसमें मेरा जो रेंट है वो लगा था, टिकट का जो प्राइस है वो लगा था 10 मनात। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, और जो वो एक बड़ी बस तो नहीं थी, छोटी वैन टाइप थी, तो उसने मुझे यहाँ पे उतारा है। तो अभी मैं फ़िलहाल सोच रही हूँ कि मेरा आज एक ही दिन का प्लान है, तो इवनिंग की लास्ट जो बस है उसका टाइमिंग का पता कर लूँ और अंदर जाके मैं देख लूँ कि टिकट मिल भी रही है सेम डे या नहीं। तो अगर मुझे रुकना पड़ा तो हो सकता है कि भाई फिर कल के लिए पता कर लूँ टाइमिंग का। तो एक बार ही लेके चलती हूँ आपको अंदर, और थोड़ा सा व्यू भी दिखाती हूँ आपको बस स्टेशन का यहाँ का। तो ये आप देख सकते हैं, ये है यहाँ का जो बस स्टेशन है, इसको आफ्ताब वगजाल बोलते हैं, चाहे वो बाकू है और चाहे गवाला है। यहाँ की जो लैंग्वेज है उसमें आफ्ताब वगजाल बोलते हैं। तो लेके चलती हूँ अंदर और दिखाती हूँ थोड़ा सा अंदर का व्यू। यहाँ पूरा बस स्टेशन जो है यहाँ पे खाली पड़ा हुआ है, और टिकट का मैंने पता कराया तो वो लास्ट जो टाइमिंग है 2:30 का है, और उससे पहले 1:30 की टाइमिंग है। तो अभी मैं आई हूँ नुहूर लेक पे यहाँ पे, तो मैं आपको नुहूर लेक का थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ। और यहाँ पे जो नुहूर लेक पे ये जो बोट्स वगैरह हैं, अगर इसकी राइड अगर किसी ने करनी है तो इस राइड की जो कॉस्ट है वो 20 मनात इन्होंने बोले हैं 4 पर्सन्स के लिए। तो अभी देखते हैं कि राइड करनी है या नहीं। तो फिलहाल मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा व्यू। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आई हूँ नुहूर लेक पे। ये है नुहूर लेक। तो ये छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं, रेस्टोरेंट या बोल सकते हैं इनको, जो ये सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है बैठने के लिए। और ये है नुहूर लेक, और यहाँ पे अगर ये बोटिंग करनी है तो इसकी पर पर्सन 5 मनात इन्होंने बोला है, और 4 पर्सन्स के लिए 20 मनात। तो अभी मैं देखती हूँ, अभी मैंने राइड का कुछ प्लान नहीं करा है। बाकी मैं आई तो एक दिन के प्लान के हिसाब से थी, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे क्योंकि अभी 2 o'clock तो ऑलरेडी हो चुके हैं, और जो लास्ट बस है वो 2:30 पे है, और अगर मेरे साथ जो पैसेंजर्स और हैं वो भी यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे ही हैं और घूमने फिरने के लिए ही आए हैं, तो अगर उन्होंने भी अगर बाकू आज ही जाने का प्लान हुआ तो हो सकता है कि भाई हम मिलके टैक्सी कर लें, तो फिर हो सकता है कि इजीली कॉस्ट इफेक्टिव जो होगी और मैं बाकू भी पहुंच जाऊं आज ही सेम ही डे। हो सकता है कि मैं बाकू सेम ही डे आज ही पहुंच जाऊं, बट अभी देखते हैं घूमने फिरने के बाद कि कितने बजे तक जा सकते हैं, क्योंकि रास्ता जो है वो बिल्कुल हिली एरिया है, तो माउंटेन्स पे बना हुआ है ये गबाला जो सिटी है। तो देखते हैं कि शाम को जाना सेफ है या नहीं है। तो बाकी अगर आप अकेले आते हैं तो अकेले ये ट्रिप काफ़ी आपको महंगी पड़ सकती है, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि भाई आप अगर आते हैं तो ग्रुप में आइए यहाँ पे, और ग्रुप में भी आप टैक्सी करके आ सकते हैं अगर आप 3 से 4 जने हैं तो मिलके। और इसके अलावा अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं तो भाई अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट से पहले सब पता करके आइए। बाकी भाई मैंने भी वैसे तो पता किया था, बट यहाँ पे आके चीज़ें एग्जैक्ट वैसी नहीं हैं जैसे कि गूगल पे शो हो रहा था। तो बाकी अभी देखते हैं आगे का क्या प्लान बनता है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ से जाके आई हूँ नुहूर लेक पे, और नुहूर लेक से मैं एक स्टेशन और आगे गई थी, जो
केबल कार है, केबल कार राइड तो मुझे नहीं करनी थी, एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं थी, तो वैसे मैंने पहले करी हुई है एक दो जगह, तो बाकी मुझे यहाँ पे सब बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 8 से 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है आराम से, और जो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यांगो और बोल्ट ऐप नहीं चल रही है, और जो यहाँ के जो लोकल जो टैक्सी वाले हैं, तो वो फॉरेनर्स को देख के, जैसे जाते हुए एक जगह के लिए मैंने 10 किलोमीटर के 10 मनात पे करे, और दूसरी जगह मैंने वही सेम आते टाइम यानी कि सेम डिस्टेंस के मैंने 5 मनात पे करे। तो यहाँ पे जो एक जगह से दूसरी जगह आपको बाय टैक्सी ही ट्रेवल करना पड़ेगा, बोल्ट और यंगो ऐप नहीं चल रही, तो जो ये टैक्सी वाले हैं ये अपनी मर्जी से ही रेट ले रहे हैं। तो भाई आप अपना ग्रुप में आए और टैक्सी करके आए यहाँ पे अगर आते हैं तो। बाकी अभी मेरी वैन का जो टाइम है वो हो गया, वैन थोड़ा सा आपको मैं दिखा देती हूँ, बाकी भाई मैं आपको बाकू में जाके डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगी। तो ये है वो वैन, अब जो गबाला से मैं बाकू जा रही हूँ, जिसमें बाकी इस साइड जो भी बसेस है वो वैन टाइप ही हैं, छोटी बसेस ही हैं, आप देख सकते हैं। और थोड़ा सा आप जो यहाँ का बस स्टेशन है उसका जो व्यू है वो भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो यहाँ की जो बस स्टेशन की है वो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप भी बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट आते हैं मेरी तरह, तो आपने कहाँ पे उतरना है और कहाँ से जाना है, तो और क्या रेंट वगैरह, 10 किलोमीटर के 5 मनात भी ले रहा है और कोई 10 मनात भी ले रहा है, तो भाई अपना उनसे जो भी है बार्गेनिंग करें, क्योंकि ऐप तो यहाँ पे ना तो येंगो चल रही है और ना ही बोल्ट। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी की जो डिटेल में इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बाकू जाके दूंगी, गबाला का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा।